हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में यहाँ पर हमने तीन वीडियो से रिलेटेड बातें करी थी, होप आपने इन्हें देखा होगा। और यहाँ पर अच्छे खासे वीडियो चलती हुई नजर आ रही है। अब आज की डेट में भी एक वीडियो से रिलेटेड बातें करेंगे। ऐसी ऐसा शेयर जिससे पहले भी बात करी थी, उस लेवल पर हमने खरीदा था, अच्छा खासा 20-25% का प्रॉफिट आया था। उसके बाद अगेन उस लेवल पर शेयर आ गया है कि यहाँ पर दोबारा खरीदेंगे 20-25% का। बट 20-25% की हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, बट शेयर जो मैं जो मोस्टली हमारी तरफ से बताए जाते हैं, मैं इसमें अहम वाली बात नहीं करूँगा, आई एम नॉट सो इगोइस्टिक। बट अगर बात बताए यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर शेयर आपको चूज करके काफी दिए हैं, उन शेयर में डबल डबल होते हुए दिखाई दिया, वो भी कुछ कुछ टाइम में। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ बोरोसिल। बोरोसिल की अगर मैं बात बताऊं, बोरोसिल का 6 महीने पहले यहाँ पर काफी टाइम पहले यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप यहाँ पर ये स्टॉक्स बनाया था। यहाँ पर बोरोसिल से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, 222 रुपए पे वो स्टॉक्स था, मुझे आज भी याद है। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ बोरोसिल, तो यहाँ पर आज की डेट में उसका प्राइस क्या है, तो आप खुद देख लीजिए कि इसका प्राइस क्या है। 440 रुपए पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है। ये शेयर मैंने यहाँ पर 220 रुपए के आसपास, जब ये शेयर यहाँ चल रहा था ना, तब यहाँ पर बताया था। उसके बाद शेयर गिरा भी था और 200 रुपए तक आया था, फिर इसके बाद एक अच्छी खासी रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक स्टॉक्स और बताया गया था, LGBB। यहाँ पर LGBB से रिलेटेड तो यहाँ पर काफी सारे वीडियोस हमारी तरफ से यहाँ पर बनाए गए थे, बार बार बनाए गए थे, और आपको बताया गया था कि इस शेयर को यहाँ पर खरीदे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, 6-6 महीने पहले ही यहाँ पर ये वीडियो LGBB, देखिए यहाँ देख सकते हैं LGBB, 2 महीने पहले भी यहाँ पर बात करी थी LGBB से रिलेटेड, काफी टाइम पहले भी हमने यहाँ पर बार बार बात करते हुए आ रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम LGBB का देखते हैं, तो LGBB हम मैंने आपको ये 300 रुपए के आसपास ही यहाँ पर पकड़ के दिया था। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली, एक कंसोलिडेशन, और दोबारा यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा पैसा डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसी तरीके से आज भी एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड आपको, छोटा सा स्टॉक्स है, ओके, 200 रुपए से भी कम का स्टॉक्स है, 170 रुपीज के आसपास चल रहा है, यहाँ पर आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स इस तरीके से कह रहे हैं कि हाँ भाई, मैं डबल हूंगा, मैं डबल हूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर दैट, स्टॉक्स के में कैसे रिलेटेड बातें करें, आज से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम बेहतरीन वीडियो ज्यादा लेवल पर आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको यहाँ पर हमसे फाइनेंशियल सर्विस भी लेनी है, तो फाइनेंशियल सर्विस के लिए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टेक्ट करिए और वीडियो को लास्ट तक देखें, चीजें समझने की कोशिश करें, और खुद से भी ट्राई करें कि यह करने की। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 से 2 साल, 1 से 2 साल आप सीखने में लगाएंगे, और 1 से 2 साल आप जब मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, डेली बैठे रहने, लैपटॉप निकाल के आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप कमता हुआ नजर आएगा। बट 1 से 2 साल कम से कम आपको देना होगा, उसके बाद आप पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड, कंपनी लगातार यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। ओके, 5-5 रुपए, 3 रुपए, 20 रुपए का 18 मार्च को यहाँ पर 2020 में दिया था, 2021 में अभी तक 2 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। यहाँ पर बात करें बोनस की, कंपनी यहाँ पर 3 बार 1995, 1999, 2007 में यहाँ पर बोनस दे चुकी है। बात करें स्प्लिट की, 2007 में एक बार स्प्लिट भी दे चुकी है, तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं यहाँ कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देख सकते हैं, ये रेवेन्यू देखिए यहाँ तक बढ़ा। यहाँ पर क्राइसिस आया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम, यहाँ पर कोविड की वजह से, अगेन यहाँ पर देखिए चीजें भागती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा चल रहा था, फिर यहाँ पर ये जो ये सेक्टर है देखिए ऑटो से रिलेटेड, और ऑटो एंसिलरी का यहाँ पर ये स्टॉक्स है, तो देखिए यहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आया, और फिर उसके बाद 2021 में देखेंगे तो हाईएस्ट एवर पर यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो शेयर बहुत बेहतरीन शेयर है, बिलीव मी, ये शेयर जब भी इस लेवल पर आता है, मैं तो यहाँ पर बैट लगाते ही हूँ, ये अच्छा खासा पैसा देते हुए जाता ही जाता है। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बानको प्रोडक्ट्स। बानको प्रोडक्ट्स
कितने रुपए का स्टॉक है, 175 रुपए का शेयर है। कंपनी करती क्या है, कंपनी ऑटो एंसिलरीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है डोमेस्टिक, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड काफी वीडियो बनाई है यहाँ पर, उस वीडियो को अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आई बटन पे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। एल्यूमिनेटेड रेडिएटर से, कॉपर ब्रास रेडिएटर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इंटरनेशनल 62% रेवेन्यू यहाँ पर 2020 में आया था, और फिर 18 में यहाँ पर 59 था। तो ये चीजें यहाँ पर इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे, तो कंपनी काफी बेहतरीन है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब चीजें पता चलेगी कि ये जो कार में या फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इनके व्हीकल्स में जो ये लगे होते हैं, ओके, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। काफी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी है, जाके एक बार इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर जानेंगे तो आपको पता चलेगा। इंजन कूलिंग सिस्टम, क्योंकि इंजन गर्म ना हो उसको कूल रखने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है वो यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, फ्यूल कूलर, ऑयल कूलर, चार्ज एयर कूलर, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाती है, ये यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है इंजन से रिलेटेड। तो एक बार जाके इस कंपनी से रिलेटेड, इस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी ले लेना। यहाँ पर देख लीजिए ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड ही सारे के सारे ये गैस टैक्स ये बनाती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है, हमेशा याद रखना स्मॉल कैप कंपनी भागेगी भी तेज और गिरती भी तेज है, तो इस चीज को हमेशा थोड़ा सा माइंड में रखना। आरओसी आरओई की बात करें, 18 और 14% का आरओसी आरओई है। डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है। 225 रुपए से हाई लगाया था, 175 रुपए पे शेयर चल रहा है, लगभग 50 रुपए नीचे डाउन हो चुका है। 50 रुपए का मतलब 50 रुपए नहीं है, यहाँ पर बहुत 25 से 30% शेयर डाउन हो चुका है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि हम बेहतरीन चार्ट पैटर्न, बट बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो इसमें भी आती है। बट कंपनी अब ऑटो सेक्टर अच्छा खासा दौड़ता हुआ आने वाले टाइम में नजर आ सकता है, तो ये शेयर भी भागते हुए नजर आएंगे। ईवी में केवल ईवी थोड़ा सा इन पेट्रोल से ईवी पे आएगी, बट याद रखिए प्रोडक्ट्स तो यही यूज होने हैं। ओके, यहाँ पर रिड्यूस डेट हो रहा है, डेट फ्री ये कंपनी है। यहाँ पर और पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, देखिए ये कंपनी लगातार 2020 के बाद से यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर इनके नंबर इंक्रीज होते हैं, और इस बार के भी नंबर हाइएस्ट एवर आया है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, वो भी यहाँ पर जो माइनस में चल रहा था वो यहाँ पर पॉजिटिव और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है। ईयरली बेसिस पर मिला लीजिए, क्वार्टरली बेसिस पर मिला लीजिए, कंपनी सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इसी तरीके की जब ये चीजें बढ़ रही है तो आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर इस शेयर को भागने से। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी आप पर देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स लगातार कंसिस्टेंटली ईयरली बेसिस पर भाग रही है, क्वार्टरली बेसिस पर तो भाग ही रही है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भाग रहा है, पिछले 12 महीने में 150 करोड़ का तो कंपनी का प्रॉफिट है। और इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं 904 करोड़ के, डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल खत्म हो गया, केवल 6 करोड़ का ही डेट रहा है। वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, एक कैश की बात करें तो कंपनी का 52 करोड़ का कैश है। जो भी पैसा आता है यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट ये सेल करते हैं यहाँ पर इनका पैसा मिलता ही मिलता है। यहाँ पर बात करें आरओसी की, आरओसी देखिए 19 यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 17 से 13 हुआ था, 13 से अब 19। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है अच्छे खासे, और मार्केट में पैसे कौन बनाता है, प्रमोटर्स ही बनाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी कंपनियों ने पता है और कम वो बेचते ही नहीं है। इसके अलावा एफआईज ने यहाँ पर देखिए होल्डिंग बढ़ा ली है। डीआईएस की बात करें यहाँ पर 0.02% की है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 31.72% की हिस्सेदारी है, उसमें से भी यहाँ पर 2-3.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती नजर आ रही है, लगभग 30% की हिस्सेदारी फिर भी पब्लिक के पास नजर आती है। तो चार्ट पैटर्न अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के नंबर अच्छे खासे यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, एवरीथिंग इज गुड फाइन, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आता है। अब बात कर लेते हैं चार्ट की, अगर हम यहाँ पर चार्ट पे आएंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर आ जाते हैं बानको प्रोडक्ट्स। तो देखिए बानको प्रोडक्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आज के दिन में थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये शेयर जब यहाँ पर चल रहा था, ओके, इसी के आसपास यहाँ पर चल रहा था, हमने यहाँ पर ये बाई किया था, उसके बाद यहाँ पर हमने सेल आउट किया था। आज की डेट में दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कितने परसेंट के रिटर्न के लिए, 30% के रिटर्न के लिए, तो यहाँ पर मिलेगा ये 30% का रिटर्न। क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑटो के काफी सारे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक स्टॉक्स बताया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो 300 रुपये बार बार आता था ये, ओके, इसी की हमारी बाइंग थी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये बार बार ऊपर गया, फिर इसका नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, तो ये शेयर इसी तरीके से। एलजीबीबी भी ऑटो
एंसिलरी स्टॉक्स है, जब यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो ये स्टॉक्स भी भागेगा। नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ सपोर्ट कर रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बताऊँ, देखो ऊपर के लेवल पर ये यहाँ पर एक कंफर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर ये शेयर रुका था ऊपर के लेवल पर, यहाँ पर एक बार शेयर रुका था। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं से ये शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया था। और जब ऐसी चीजें एक साथ गैप में खुलती है ना, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने का होता है, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद चीजें और भागती नजर आती है। लगभग 300 रुपए का मेरा इस बार का टारगेट है, 28% के रिटर्न तो ये शॉर्ट में मिलते हुए नजर आएंगे। बट इस बार के अगर एक बार के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, थोड़ा सा वेट आउट कर लीजिएगा अगले 3 महीने का, ओके, उसके बाद शेयर यहाँ पर गोली होता हुआ नजर आएगा। अच्छे खासे RSI पे, 44 के RSI पे चल रहा है, 28% का यहाँ पर आपको गेन मिलता हुआ नजर आएगा। 28% का अगर 6 महीने में आपको रिटर्न मिलता है, साल का 50% से ज्यादा होता है, 40% का CAGR की हमें जरूरत होती है, जो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। 10 लाख रुपए 20 साल में 1,000 करोड़ रुपए चेंज होते हैं, तो ये अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग सेलिंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा, तभी जाके यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा चार्ट पैटर्न की और भी बात कर लेते हैं, तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक कप बनाया, कप बनाने के बाद यहाँ पर हैंडल, और ये जब कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, इसके जो टारगेट आएंगे वो अच्छे खासे टारगेट आएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट का वेट जरूर करिएगा, ओके, 28% के रिटर्न तो उससे पहले ही मिल जाएंगे, बट अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, ओके, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, तो समझिएगा ये शेयर फिर और गोली होने को तैयार है, ये शेयर फिर भागने को तैयार है, और 260 रुपए का ये टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। और 260 रुपए का यहाँ पर मतलब कितना है, यहाँ पर मतलब है सीधे 48%, मतलब आपका जो 1 साल का टारगेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट। बट चीजें यहाँ पर रुकनी नहीं है, फिर चीजें और भागती हुई नजर आएगी, जस्ट बिकॉज रिजल्ट का वेट करना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप और हम एक साथ मिलकर यहाँ पर हमारे जो टारगेट है जिसके बारे में हम बात करते हैं 40% का, वो अचीव हो। हम बात करते हैं 1,000 करोड़ की, तो वो अचीव हो और हम सब आगे मिलकर बढ़े। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।